hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. First order partial differential equation can have more than one complete solution, a complete entry. ठीक है, more than one complete entry. ठीक है, अब जब यहां पे चार पिट एक्चुअली इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो कोई तो P फाइंड आउट कर सकता, कोई Q भी फाइंड आउट कर सकता, और कोई कोई और टॉपिक भी फ्रैक्शंस को कंपेयर करेगा तो कुछ पी और क्यू पे भी रिलेशन फाइंड आउट कर सकता, जैसे मैंने यहां पे फाइंड आउट किया था. तो ऐसे तो बहुत सारे केसेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे. तो यहां पर कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? मोर देन वन. अभी मैंने कोई भी स्पेशल केसेस का डिस्कशन नहीं किया कि स्पेशल केसेस की फंक्शन मैंने चार टाइप के डिफाइन किए थे या नहीं किए थे, कि फंक्शन एफ पी क्यू इक्वल टू जीरो, एफ पी क्यू जेड इक्वल टू जीरो, और एक फंक्शन एफ एक्स वाई पी क्यू इक्वल टू जीरो, और लास्ट फॉर्म था क्लेरेट्स इक्वेशन. लास्ट यही तो चार टॉपिक का डिस्कशन लिखवाया था, नहीं लिखवाया था सिलेबस में ये. अभी मैं पर्टिकुलर किसी भी फॉर्म से रिलेट नहीं कर रहा कि मेरा क्वेश्चन इन किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म पे डिपेंड कर रहा, मैं फिर भी क्वेश्चन लिख रहा हूं. क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following are complete integral of the partial differential equation PQ x plus y q square equal to 1, first option z equal to x upon a प्लस ए वाई अपॉन एक्स प्लस बी, सेकेंड ऑप्शन जेड इक्वल टू एक्स अपॉन बी प्लस ए वाई अपॉन एक्स प्लस बी, थर्ड ऑप्शन जेड स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स प्लस वाई प्लस बी, और फोर्थ ऑप्शन जेड माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स प्लस वाई, फोर ए एक्स प्लस वाई. ये रब कर दूं या नहीं? ये तो कर दूं. अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया. अगर मैं इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा हूं तो इसमें पी क्यू एक्स वाई तो गिविन है या नहीं? पी क्यू एक्स वाई गिविन है, तो ये पर्टिकुलर एक फॉर्म से रिलेट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जो हमारी थर्ड फॉर्म है एफ एक्स वाई पी क्यू इक्वल टू जीरो, इस पर्टिकुलर फॉर्म से रिलेट हो रहा क्वेश्चन या नहीं? लेकिन अभी तो हमने ये पढ़ाई नहीं है, फिर भी हम सॉल्व नहीं कर रहे. एग्जाम में यही मिस्टेक होती है कि जब हमें क्वेश्चन पर्टिकुलर फॉर्म का गिविन होता तो हम पर्टिकुलर फॉर्म से रिलेट करते हैं. ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि यहां पर जैसे तुमने पूछा भी कि सर इसके पास जो सॉल्यूशन आएगा वो यूनिक आएगा, तो ध्यान रखना नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में किसी भी बुक में कोई मेंशन नहीं है कि यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन. ठीक है, और जनरली जो स्टेटमेंट डी अमरनाथ में यूज किया कि जो भी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे? मोर देन वन. हो सकते हैं यूनिक आ जाए, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि मोर देन वन भी आ जाए. हमने एक सॉल्यूशन चेक किया ना कि कंपेटेबल फैमिली के पास जो भी कंपेटेबल फैमिली होंगी उनके पास एटलीस्ट वन कॉमन सॉल्यूशन होगा. वन से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो कहीं पे भी कोई मेंशन नहीं. ठीक है, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब ये नेट का क्वेश्चन है, नेट 15.
दिसंबर में जो दिसंबर का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। अब चार ऑप्शन बनाए, अब सिंगल करेक्ट में होता तो अगर पी की पर्टिकुलर फॉर्म थी तो एक आंसर कैलकुलेट करते और सॉल्व कर देते, सिंगल करेक्ट में पूछा जाता। अब ये किस में था? मल्टी करेक्ट में। तो मल्टी करेक्ट में तो फिर ऑप्शन भी चेक करोगे या नहीं करोगे? चेक करोगे। तो पहले हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, बाद में ऑप्शन रिलेट करते हैं। तो फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है? एफ इक्वल टू पी क्यू एक्स प्लस वाई क्यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो चार पिट एक्सिलरी इक्वेशन डी एक्स अपॉन एफ पी, डायरेक्ट लिख दो ना, डी एक्स अपॉन एफ पी। अगर एफ पी के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा? क्यू एक्स। डी वाई अपॉन एफ क्यू, एफ क्यू करोगे तो यहां से आएगा पी एक्स प्लस टू टू वाई क्यू। डी जेड अपॉन डी जेड अपॉन क्यू एक्स, तो यहां से क्या आएगा? पी क्यू एक्स प्लस क्यू पी क्यू एक्स प्लस क्यू पी क्यू एक्स प्लस टू क्यू स्क्वायर वाई माइनस डी पी अपॉन माइनस डी पी अपॉन एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू पी क्यू और एफ जेड है नहीं तो एफ जेड वाली टर्म जीरो इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन माइनस डी क्यू अपॉन एफ वाई। एफ वाई क्यू स्क्वायर और एफ जेड वाली टर्म है नहीं तो क्यू स्क्वायर है। फिर से मैं लास्ट टू फ्रैक्शन कंसिडर कर लेता हूं। अगर मैं लास्ट टू फ्रैक्शन कंसिडर करता हूं तो क्यू स्क्वायर से क्यू कैंसिल, एक क्यू से क्यू कैंसिल, तो यहां से माइनस भी कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बचा? डी पी डी पी अपॉन पी इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू। तो यहां से जो सॉल्यूशन आएगा ये इसका इंटीग्रेशन लॉग पी, इसका इंटीग्रेशन लॉग क्यू और एक कॉन्स्टेंट एड कर लो तो ए लॉग पी इक्वल टू लॉग क्यू प्लस लॉग ए। अब यहां से पी इक्वल टू ए क्यू, पी इक्वल टू ए क्यू, हमें क्या मिला? पी इक्वल टू ए क्यू। अगर मैं पी की वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट करूं, अगर पी की वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट करता हूं तो यहां से क्या मिलेगा? इस इक्वेशन को सेकंड मान लेता हूं, इसे फर्स्ट मान लेता हूं, फर्स्ट इक्वेशन, और गिवन पुट इन वन, अगर मैं वन में पुट करता हूं तो यहां से ए क्यू स्क्वायर एक्स, ए क्यू स्क्वायर एक्स प्लस वाई क्यू स्क्वायर इक्वल टू वन। यहां से क्यू स्क्वायर कॉमन आएगा क्यू स्क्वायर इंटू ए एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन। तो यहां से क्यू की वैल्यू क्या आएगी? क्यू की वैल्यू आएगी प्लस माइनस वन अपॉन अंडर रूट ए एक्स प्लस वाई, अंडर रूट ए एक्स प्लस वाई। अब पी की क्यू की वैल्यू ये है तो पी की वैल्यू क्या आएगी? पी इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए एक्स प्लस वाई, ए एक्स प्लस वाई। ये समझ आ गया नहीं आ गया? अब यहां से हमें सॉल्व किसे करना? डी जेड, डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो डी जेड इक्वल टू पी, पी की वैल्यू पुट करोगे तो प्लस माइनस ए डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए एक्स प्लस वाई, प्लस क्यू की वैल्यू प्लस माइनस वन अपॉन अंडर रूट ए एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई। अगर यहां से मैं प्लस माइनस ए वाई कॉमन ले लूं तो यहां से ऐसा कुछ लिख सकता हूं डी जेड इक्वल टू, या प्लस माइनस की इधर साइन लग देता हूं, डी जेड इक्वल टू ए डी एक्स, ए डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन अंडर रूट ए एक्स प्लस वाई, ए एक्स प्लस वाई। यही तो आएगा? नहीं आएगा। अगर इसको मैं टी मान लूं तो इसका डिफरेंशिएशन की भी नहीं, इसको मैं टी मान लेता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा तो प्लस माइनस डी जेड इक्वल टू, डायरेक्ट नहीं होगा, इसको टी की पावर माइनस वन बाई टू इंटू डी टी रिप्लेस कर देता हूं, वन बाई टू भी आएगा ना, टू की मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन करता हूं यहां पर तो यहां से मिलेगा प्लस माइनस जेड इक्वल टू टी की पावर वन बाई टू, टी की पावर।
आप CSIR NET या IIT JAM Math Batches ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR NET IIT JAM की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गेट 40,000 प्लस क्वेश्चन बैंक ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एब्सोल्युटली फ्री। डाउनलोड डिप्स अकेडमी मोबाइल ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल फॉर मोर लर्निंग वीडियोस एंड डिस्काउंट ऑन वीडियो कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़िए या QR कोड स्कैन करिए। 1/2 अपॉन 1/2, तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में 2 लिख देता हूं, प्लस एक कांस्टेंट B ऐड कर लेता हूं। तो यहां से क्या मिलेगा, Z प्लस माइनस Z इक्वल टू प्लस माइनस Z इक्वल टू, या फिर प्लस माइनस यहीं पर रखो, जेड इक्वल टू जेड प्लस प्लस माइनस टी की पावर 2 इंटू टी की पावर 1/2 प्लस बी, क्योंकि मुझे इस फॉर्म में ऑप्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है क्वेश्चन को। तो जेड माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। तो यहां से इसके स्क्वायरिंग करोगे तो जेड माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 ए एक्स प्लस बी आएगा, नहीं आएगा। तो यहां से ये फोर्थ सॉल्यूशन आ गया मेरे पास, जो फोर्थ ऑप्शन है वो सॉल्यूशन मिला या नहीं मिला। बिल्कुल कर सकते हो, उससे तो अलग आएगा। हाँ तो मैंने कब कहा कि यूनिक होगा। हाँ नोट किया। अब देखो अगर फोर्थ ऑप्शन ट्रू हो गया तो थर्ड ऑप्शन गलत हो गया, नहीं होगा। तो यहां से अगर मल्टी करेक्ट था तो अब ऑप्शन भी चेक करने, बाकी के ऑप्शन तो हम सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो या तो ऐसी डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शंस बनाओ, या जैसे ये बोलने की डी एक्स अपॉन क्यू एक्स और डी क्यू अपॉन क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल और एक्स और वो सेपरेट हो जाएगी, वहां से भी तो सॉल्यूशन मिलेगा नहीं मिलेगा। अब इतना सोचते क्यों, इसका जो भी ऑप्शन की बिन है उन्हें चेक कर लो। चेक कैसे करोगे, अगर फर्स्ट ऑप्शन चेक करता हूं तो z इक्वल टू एक्स अपॉन ए प्लस ए वाई अपॉन एक्स प्लस बी गिवन, यहां से p और q की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x करता हूं तो p इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस ए वाई अपॉन एक्स स्क्वायर मिलेगा नहीं मिलेगा, और q की वैल्यू क्या मिलेगी, q इक्वल टू a अपॉन एक्स, a इक्वल टू q इक्वल टू क्या मिलेगा, अगर पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y करोगे तो यहां से ये जीरो, इसका करोगे तो यहां से क्या मिलेगा 1 अपॉन a अपॉन x और y का क्या हो जाएगा 1, ये वैल्यू आएगी या नहीं। अब ये p की वैल्यू q की वैल्यू जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें पुट कर दो। अगर मैं इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करता हूं तो यहां से इसकी वैल्यू p की वैल्यू है 1 अपॉन a माइनस a वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू a x इंटू एक्स, p की वैल्यू ये पुट कर रहा हूं, q की वैल्यू ये और इंटू क्या करोगे x प्लस y, y की वैल्यू y इंटू q, q की वैल्यू क्या a अपॉन x, तो a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, x से x कैंसिल। अगर a की मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 1 माइनस a स्क्वायर y अपॉन x स्क्वायर प्लस y a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, इससे ये कैंसिल और इसकी वैल्यू क्या मिली 1, और ये राइट हैंड साइड में क्या गिवन है 1, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है नहीं। अब ऐसी सेकंड ऑप्शन चेक कर लोगे, सेकंड ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। मैंने एक सॉल्व किया था इसीलिए बता देता हूं। ऐसी थर्ड फोर्थ भी कर सकते हो, ऐसा मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी अगर ऑप्शन ही बताते तो फिर मेथड थोड़ी ना अप्लाई कर दो। हाँ तो ज्यादा बेटर है, अब इसीलिए तो ऑप्शन नहीं लिखता, नहीं तो ऑप्शन लिखोगे तुम, ऑप्शन से ही सॉल्व करोगे। लिखो, नोट किया नहीं किया,
लिखो, फाइंड ए कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन f इक्वल टू x स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू जीरो. सेम नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो आंसर लिखो, सॉल्व कर लोगे, आंसर लिखो z इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस ए लॉग वाई प्लस बी. सेकेंड लिखो और z इक्वल टू 4 ए लॉग एक्स प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर log y प्लस कॉन्स्टेंट b. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, f इक्वल टू z स्क्वायर माइनस पी क्यू एक्स वाई z स्क्वायर माइनस पी क्यू एक्स वाई इक्वल टू 0. आंसर लिखो, z इक्वल टू b x की पावर 1 बाई ए इंटू वाई की पावर ए किसमें क्या बोल रहे हो? कितने भी हो सकते हैं, अभी तो मैंने दो लिखे, किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो. ऐसा नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई ना कोई तो एक मैच करेगा. हाँ तो वो कितने जितने जितने फ्रैक्शंस कंसीडर करोगे इतने इतने सारे ऑप्शन मिलेंगे. अब तुम तो वही लोग है ना जो सबसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, या नहीं कर सकते? अदरवाइज तो कितने भी कर सकते हो. ऐसे तो तुम कुछ भी करने लगो, कितनी भी रिसर्च करने लगो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या किसी भी टॉपिक में. जरूरी थोड़ी है जैसे ग्रुप थ्योरी पढ़ते हो तो 65 ऑर्डर के पास में पी और क्यू ऑर्डर का मतलब ऑर्डर का वो ग्रुप फाइंड आउट करो. तुम कहने लगो मैं तो बी और क्यू के जो मल्टीपल होंगे उनके मल्टीपल का भी ग्रुप का ऑर्डर फाइंड आउट करूंगा सब ग्रुप. तो ऐसे तो कुछ भी कर सकते हो. जब कैलकुलेशन करोगे तो कम से कम जो सिंपलेस्ट आंसर होगा वो यही होगा, अदरवाइज तो कैलकुलेशन कितने भी कर लो या फिर ऑप्शन से चेक कर लो. अभी बहुत सारे क्वेश्चन में ऑप्शन भी नहीं मिलेगा ना जब पर्टिकुलर वैल्यू पूछेंगे. अब एक बात बताओ, यहां तक समझ आया नहीं है? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चारपिट एक्सिलरी इक्वेशन तक. यानी कि चारपिट एक्सिलरी इक्वेशन से अगर हमें कोई भी क्वेश्चन रिलेट होगा तो सॉल्व कर लोगे. अब क्वेश्चन लिखो स्पेशल केसेस फॉर चारपिट मेथड. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.